अमिताभ बच्चन कुमार विश्वास पर एक कविता को पढ़ने और उसे YouTube पर डालने को लेकर नाराजगी जताई है और कुमार विश्वास को लीगल नोटिस भेज दिया। दरअसल ये कविता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की थी। अमिताभ बच्चन ने कुमार विश्वास को टैग करते हुए ट्वीट किया, ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट इस बात की सुध लेगा। जिसके बाद अमिताभ बच्चन के लीगल नोटिस की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें नोटिस मिला है और मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। आप जी के यहां से मुझे नोटिस मिला है, उसमें कहा गया है कि इसको तुरंत हटाएं हम, ये कॉपीराइट उल्लंघन है, मैं स्वीकार करता हूं और अगर उनका आदेश है तो हम इसे हटा दे रहे हैं। साथ में उसमें आखिर में उन्होंने ये कहा है कि इससे जो अर्निंग हुई है वो आप हमें वापस करें, तो उससे 32 रुपये अभी कमाई हुई है, हमने उसमें लाखों रुपये खर्च किए हैं, वीडियोज़ को बनाने के लिए तैयार किया है, उन पर शूट की है, वीडियो एडिटिंग की है जनता तक पहुँचाने के लिए, सो हम ये 32 रुपये भी भेज देंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको बच्चन जी दसियों वर्ष तक पढ़ते रहे अमिताभ जी बाबू जी की बताकर, जो कि उन्हें पता नहीं था। द्विवेदी जी के परिवार वालों ने कभी कॉपीराइट नहीं मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के ऑफिस ने इस वीडियो से हुए कमाई के बारे में भी पूछा है। विश्वास ने कहा कि हमने इस वीडियो से 32 रुपए कमाए हैं जो हम अमिताभ बच्चन जी के ऑफिस को लौटा देंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि हम हरिवंश राय जी का बेहद सम्मान करते हैं, उनके लिए हमारी ये कोशिश थी लेकिन कुछ गलती हो गई, जिसके लिए मैं अमिताभ जी से माफी मांगना चाहता हूँ। हम इसे हटा देंगे और जो 32 रुपए इस कविता ने कमाए हैं इस एक गीत ने, हम उन्हें वापस भेज देंगे। 19 गीत हमने 19 कविताएं तैयार की थी उनकी, अतुकांत कविताएं भी तैयार की थी, उन्हें हम अब लोड नहीं करेंगे और सार्वजनिक रूप से कभी कविता नहीं पढ़ेंगे, चूंकि उनका मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। कुमार विश्वास की माने तो वो अपने कार्यक्रम तर्पण में प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं को लोगों के सामने पेश करते हैं। बहरहाल इस मामले ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़।